अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल आया है, ये स्पार्सिस वो मॉडल है। और इसमें मसला ये है कि ये तो चार्जिंग शो कर रहा है, चार्जिंग में जब लगाते हो चार्जिंग शो कर रहा है, बैटरी आ रहा है पर परसेंटेज ऊपर नहीं जा रहा है। अभी इसका बैटरी फुल लो है, हम आपको दिखाते हैं। और आई चार्जर पे भी ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये देखो इसने लाइट ऑन किया और ये इस पे बैटरी का निशान भी आ गया और कुछ नहीं दिखा रहा है। बाकी मतलब इसके चार्जिंग स्टोरेज नहीं हो रहा है ना, इस आई चार्जर में कुछ दिखा रहा है, बिल्कुल 0/0 एम्पियर ले रहा है। तो चलो फोन को खोलते हैं, ऑलरेडी इस पे काम हुआ ही भी है, किसी और शॉपकीपर ने काम किया है इस पे। तो चलो सबसे पहले इसका आई टेस्ट करते हैं। ये देखो इसमें ऑलरेडी काम हुआ है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारे भी बेड पर कितना वोल्ट आता है। मीटर को हमने किया वोल्टेज मोड पे 20 DC पे, यहाँ पर हमारा 4.2 3.9 बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। VCDT लाइन भी होती है क्योंकि शो तो कर रहा है, और मॉस्फेट वगैरह भी होते हैं क्योंकि हमारा 4 वोल्ट तो ऑलरेडी परफेक्ट आ रहा है। तो अब चेक करते हैं मसला कहाँ से है। सबसे पहले बर्नर पे चलते हैं, बर्नर स्क्रीन पे। अच्छा, हमारा तो 4 वोल्ट यहाँ पर आता है। ये जो यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है ना, इसको अब हमने चेक करना है। अक्सर मसला, ये जो मसला आता है ये इसी रजिस्टर से भी आता है, तो चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी शील्ड लगा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हो नीचे बहुत वाटर डैमेज है, देख रहे हैं आप, ये बहुत वाटर डैमेज है अंदर। तो मेरे ख्याल में कि इसी रजिस्टर से ही प्रॉब्लम है, तो चलो इस शील्ड को यहाँ से काटते और चेक करते। ये देखो भाई साहब, अरे भाई कितना डैमेज है। हमने यहाँ पर दूसरा लगाया R56। अब इस बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने दो और फिर चेक करते हैं। ये देखो बस, ये हमारा चार्जर भी अब ले रहा है चार्ज भी, और हमारा आई चार्जर में ये 0.7 अभी लिया है इसने, 0.7 लिया है अभी। मैं आपको दिखाता हूँ आई चार्जर में, सही है सही है, बस ये 0.7 आपको दिख रहा है ना, हाँ 0.7 अभी इसने ले लिया। तो ये एक छोटा सा मसला था, एक रजिस्टर की वजह से हमारे फ़ोन में ये चार्जिंग का इशू आया था और ये हमने फिक्स किया। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले आपने मोबाइल के आई स्कैन करना है, आई टेस्ट करना है, उसके बाद आपने
जो प्रोसेस होता है वही करना है। तो किसी और शॉपकीपर ने इसके जो दो मेस फर्स्ट मोसफेट वगैरह लगे हुए हैं चार्जिंग आईसी वो चेंज किए थे पर फिक्स नहीं हुआ था। तो हमारे पास जब फोन आ गया तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसका आई स्कैन किया और चेक किया मैंने कि ये तो वाटर डैमेज है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है एक करंट सेंस रजिस्टर, अगर वो डैमेज हो तो फिर भी ये हमारा ये मसला आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ये जो सा प्रॉब्लम था हमने फिक्स किया। और ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।